कहां से लाएंगे इतना पैसा, कैसे चुकेगा कर्ज, 580 करोड़ की रकम कम नहीं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, गरीबी में आटा गीला। ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है, वही पाकिस्तान जो गुर्राता तो है लेकिन काट नहीं पाता, वही पाकिस्तान आज पूंछ लटकाकर सर हिलाता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि अगर वो सर उठाएगा तो उसका सर दबा दिया जाएगा। कभी वर्ल्ड बैंक, कभी IMF और कभी चीन से उधार लेकर काम चला रहे पाकिस्तान को 580 करोड़ डॉलर करीब 42,841 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना चुकाना है, जो कि उसकी GDP का करीब 2% है। पाकिस्तान सरकार ने मांगी रहा है, इतनी बड़ी राशि चुकाने का आदेश पाकिस्तान पर एक बड़ी मुसीबत के रूप में टूटा है। पाकिस्तान के लिए यह जुर्माना चुकाना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि पाकिस्तान को राहत नहीं मिली तो उसे विदेशी मुद्रा भंडार के करीब 40% हिस्से के बराबर जुर्माना देना होगा। पाकिस्तान सरकार ने कोरोना संक्रमण को ढाल बनाते हुए राहत की मांग की। उसने कहा है कि यदि उससे जुर्माना लिया गया तो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग पर इसका असर पड़ेगा। क्या चीन करेगा मदद? अब रेको दिक में चाइनीज कंपनी मिन मेटल्स कॉर्प में बढ़ते कारोबार को देखकर माना जा रहा है कि पाकिस्तान को यदि वर्ल्ड बैंक से राहत नहीं मिलती है तो वह चीन से मदद मांग सकता है। बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक पहुंचने के लिए चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में भारी भरकम निवेश कर रहे चीन से पाकिस्तान एक बार फिर संकट से निकलने की गुहार लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।